यह है मंदसौर, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर जो बसा हुआ है शिवना नदी के तट पर, और यहां स्थापित हैं भगवान पशुपतिनाथ की अष्टमुखी प्रतिमा। यहां की एक पहचान और है, वह है अफीम, जिसकी पैदावार मंदसौर से लेकर आसपास के और भी जिलों में है। अफीम और एसिटिक मिलाकर हेरोइन तैयार किया जाता है। हेरोइन मानव निर्मित ड्रग्स है। ड्रग्स में मॉर्फिन भी होता है, जो मेडिकल क्षेत्र में पेन किलर दवा के रूप में इस्तेमाल होता है। मंदसौर, नीमच और आसपास के क्षेत्रों में अफीम की खेती होती है। इसके अलावा यहां पर बनाया जाता है लच्छा, जो कि दूर दूर तक जाता है, और शक्कर के बताशे भी, जो शुभ कार्यों में मिठास घोलते हैं। और इससे भी दूर तक जाता है नशा, जिसकी वजह है अफीम यानी ड्रग्स हेरोइन, जिसकी तस्करी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान होते हुए कई राज्यों को पार करके विदेश तक की जाती है। वहीं मिलती है इसकी असली कीमत, और तब मिलता है इसे नया नाम, काला सोना। तस्करी की भाषा में इसे दूध भी कहा जाता है। देश में हीरोइन का निर्माण अफीम के कच्चे माल से होता है, जिसकी तस्करी मंदसौर जिले से की जाती है। आज इसकी वजह से देश के कोने कोने में इस नशे का असर देखने को मिलता है। काफी नौजवान इस नशे का शिकार हो चुके हैं। अफीम को काला सोना क्यों कहा जाता है? दरअसल अफीम का रंग काला होता है। चार दशक पहले जब 100 ग्राम सोने की कीमत 1 किलो अफीम के बराबर होती थी, तभी से अफीम की तुलना सोने से की जाने लगी। हुकम, अफीम तुलवाना है कि आपकी बाहर 13 तारीख आई है, तो अपने अफीम तुलवानी है। आपकी बार सरकार ने भाव नहीं दिया, सरकार का नियम नया नियम आ गया है, अनि बार भाव नहीं मिल रहा। कहीं नहीं था, ताकि मजदूर मिल जाएगा, चिंता नहीं करनी। हाँ, होते रहो, अपने खेती बाड़ी करो, हो मेहनत करो तो सब मलक। तुम बसना की मेहनत कर रहे हो, पैसा से जाती मिल जाए, चिंता नहीं करनी। हाँ, मजदूर मिलेगा,
अपन आ गए गबरी रहा गबरा कौन है। किसान के पास अफीम की खेती का पट्टा होने का मतलब है संपन्नता। अफीम का पट्टा होना मतलब गांव में उस किसान की अच्छी खासी इज्जत। ऐसे किसानों को गांव में पटेल का दर्जा भी दिया जाता है। वो कमलेश आया था पैसे मांगने, खुद तो सारा दिन मेरे बाहर घूमते रहते हैं, मुझे लोगों की चार बातें सुननी पड़ती है। ज्यादा दिमाग खराब मत कर, पानी पिला। चार दिन हो गए ये सूखे चावल खाते खाते। छोरा ने कहा बोल रही, बोल तो मैंने बोल। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहे हो? मैंने सपना एरिया। कैसे बोल रहे हो भैया? मैंने थाड़ी जमीन रहा सपना एरिया। कट लगा फोन था ना? ए ना रख फोन रख। केंद्र सरकार का नारकोटिक्स विभाग अफीम नीति के आधार पर किसानों को पट्टे देती है। सरकार किसानों को अफीम की फसल उत्पादन के लिए लाइसेंस देती है, मगर किसान अफीम के डोडे को चीरा नहीं लगा सकता। सरकारी कर्मचारी डोडे को चीरा लगाकर अफीम ले जाते हैं। कौन? अरे कौन है भाई? गड़िया तू आओ आओ। रघु जा बेटा अंदर जा, तो तू जा जा गड़िया से बात कर लूं, जा अंदर जा। बोले नहीं कही गड़िया? मैंने सपना ही था। सपना काय का सपना ही था सर? मैंने भी बड़ो आदमी बनना, मैंने भी जमीन चाहिए। अच्छा न कही करेगा तू मेरी जमीन? मैंने था कि जमीन का सपना ही था, मैंने भी बड़ो आदमी बनना, मैंने था कि जमीन चाहिए। जमीन का सपना ही था रे? न कसी जमीन, न कणकी जमीन है? अरे नाना कणकी जमीन चाहिए था रे, थोड़ी मेहनत करिया कर है। अच्छा तो अब फोन थारे जाए तो है नी? अरे यार होश में रे, होश में थोड़ी मेहनत करिया कर, कम पिया कर है। ले अरे भैया चाल रही इले भैया ले जा जा इले भैया जा घर जा, ध्यान रख छोरा छोरी सबको है। ये मेरे और तो फरे है, दारू कम पियो, तो घर को ध्यान रखो। मूल सिंह को मारने के बाद घड़िया मंदसौर में मशहूर होने लगा, और उसी के साथ बढ़ने लगा घड़िया का डर, और डर के साथ बढ़ने लगा अफीम का ठेका। कुछ बदमाश होते हैं जो अपने दम पर अपराध शुरू करते हैं, उसके बाद कुछ बड़े माफियाओं की उन पर नजर पड़ती है तो वह उसे अपनी छत्र छाया में ले लेते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके ना मालिक का पता होता है न ठिकाने का, और घड़िया इसी नस्ल का था। अब घड़िया के अपराध की शुरुआत ऐसी हुई जो फिलहाल तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। चोरी, फिरौती, हत्या, किसी को भी डरा के तस्करी करवाना यह उसका धंधा बन गया। घड़िया के पास जैसे जैसे पैसा आने लगा वैसे वैसे वह शरीर से हारने लगा, और एक रोज मंदसौर में सन्नाटा छा गया, और यह सन्नाटा कुछ और ही कह रहा था।
शांति से बोल रहे हैं। देखो वो फिर चौपाल पर आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? केंद्र सरकार का नारकोटिक्स विभाग अफीम नीति के आधार पर किसानों को पट्टे देती है। सरकार किसानों को अफीम की फसल उत्पादन के लिए लाइसेंस देती है, मगर किसान अफीम के डोडे को चीरा नहीं लगा सकता। सरकारी कर्मचारी डोडे को चीरा लगाकर अफीम ले जाते हैं। अफीम लेने का अधिकार किसानों को नहीं मिलता। खेत में अफीम के बीज को दौड़ा दाना बोला जाता है। इसे पोस्ता दाना और खसखस भी कहते हैं। ओए, चाय के पैसे। मिल गए पैसे? चल बाकी पैसे ला। और ये है वो सन्नाटा गनिया। सर नमस्ते। सर कितना फीम आता होगा इधर? हाँ पूरा 25-30 किलो। पूरा 75 किलो आता है। पूरा 75 किलो? क्या बात कर रहे हो, तारी भाई के। ए नंदू, ला 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 जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। जा 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 चले। ए चल खड़ा हो, खड़ा। ए बैठ, ए बैठ। चल 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 जल्दी जल्दी। अरे मामा तू का गाड़ी निकल, गाड़ी निकल, गाड़ी निकल। चल 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 जल्दी जल्दी, 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 जल्दी। अपराध हर तरीके के और अपराधी यहीं के लोकल। वो कहते हैं ना कि छोटे शहर में बड़ा आदमी बनने के रास्ते कम होते हैं। अब वो लड़के जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता तो अपराध को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं। और यह आग खाकर अंगार मूतने वाले बदमाश कपिल, नंदू और इनका मालिक गनिया। गनिया को मालिकाना दर्जा उसके बाप घड़िया से विरासत में मिला था। मंदसौर में अफीम है, इसलिए यहाँ पर अपराध और अपराधियों की संख्या बढ़ती रहती है। अब यह वह दूध नहीं है जिसमें पानी मिलाकर मुनाफा बढ़ा लिया जाए। यह वह दूध है जिसकी हेरा फेरी में पसीने छूट जाते हैं। अरे जो तू साचा बानिया तो साची हाट लगा। अरे अंदर झाड़ू दे के ये कचरा दे तू बाहर। एक बार छोरों के मुंह अपराध लग गया तो शराफत का चोला कोई नहीं पहनेगा। अफीम की तस्करी बड़े पैमाने पर होगी, डोडा चूरा की डिमांड बढ़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो नाकाबंदी होगी, पुलिस पकड़ेगी, मुखबिरी होगी, मुखबिर निकलेंगे, तस्कर छिपेंगे, 2-3 रातें जेल में बीतेगी। और जैसे जैसे अपराध बढ़ेगा वैसे वैसे सरकारी शिकंजा भी कसता जाएगा। मंदसौर की कहानी कुछ ऐसी ही है। Thank you.
कौन? ओ रघु, कतरो ढूंढियो थाने, कतरो ढूंढियो। कटे है तू? कई हाल चाल तारा? ले अंदर चल। बद्री, तू मुझे बस इतना बता, मेरी जमीन किसके पास है? सब बताऊंगा थाने, तू अंदर तो आ। नहीं, मुझे अभी जानना मेरी जमीन किसके पास है। देख, मेरे को ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ मैं उस इंसान को जरूर जानता हूँ जिसको इसके बारे में पता है। मुझे अभी जाना है वहां। चल अभी चलते। पूरे मंदसौर जिले में मूल सिंह के अफीम के पट्टे हुआ करते थे। 1985 में बदमाश घड़िया का राज हो गया। अब उसका छोरा गनिया है। तस्कर छोरे रात दिन गदर मचाते हैं, किसी को भी मारते हैं, फिरौती मांगना, घरों में घुसकर मारपीट करना, चोरी चकारी करना, अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करना। उनसे भोले भाले लोग डरते हैं। उन पर लगाम कसने के लिए नारकोटिक्स के अधिकारी ने कार्रवाई की, उन कमीनों ने उसको भी मार दिया। और नारकोटिक्स के अंदर आने वाले ठेके गनिया के अंडर आ गए, जो कि नारकोटिक्स के अधीन थे। और गनिया छोटे से मालिक से बड़ा ठेकेदार बन गया। नारकोटिक्स के अधिकारी को मारने के बाद गनिया का जो भय फैला, उसने उसे मंदसौर का पहला इनामी गुंडा बना दिया। सोलह की उम्र में काम संभाला, सारा धंधा अकेला संभालता है। मंदसौर में कोई उसके खिलाफ खड़ा नहीं होता, सब डरते हैं। कोर्ट कर लिया, कचहरी कर ली, कोई फायदा नहीं। उसका बहुत जोर है, कोई उसके बीच में नहीं आता। वो गुवाड़ी का नीचे वाला मकान था, खाली था, साले ने उस पर भी कब्जा कर लिया। उसके लड़के गुंडे साले दिन रात गांजा फूकते रहते हैं, चरस और अफीम का धंधा करते हैं। क्या करें उसका, क्या करें? अभी दो दिन पहले उसने मेरी सहेली के पापा को मार डाला। उनके भी अफीम के पट्टे थे नीमच में। गनिया उनसे डोड़े चूरे की डिमांड करता था, नहीं दिया तो उसने कटिंग की दुकान पर उस तरह से गला काट दिया। अलाउद्दीन का युवा नेता का भाई, अगर उसको मंसूर मारा तो कोई दिक्कत नहीं। शहर में नया एसपी आया है, विधायक का छोरा है। चल मिल लेते हैं। चल। Thank you.
ख्याल। बैठ। ये राम भक्तों का देश है, यहाँ पे जो हीरो होता है उसकी शक्ल में राम होता है और जो विलन होता है उसमें रावण, और मैं रावण हूँ। विधायक के छोरे को मारने के बाद कन्या 3 महीने जावरा में रहा। वहाँ उसने पहलवान को मारा जिसको आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया था। पूरा मंदसौर इनसे परेशान है। अब क्या करें? बद्री, तेरे एरिया में कौन से कचरे आती है? किले वाली। कौन से किले वाली? अरे तोप वाले बालाजी वाली। बुला उसको उधर, उसके मुंह में तार डाल के पिछवाड़े से निकालेंगे, तब पता चलेगा क्या होती है बदमाशी। अजब शहर में आधार हंसा भाई त्रिभुवन राजा पे त्रिभुवन से रंग महल में अजब शहर में आधार हंसा भाई कहाँ लिखा है कि जमीन आपका है? आपका है तो बताओ क्या। ए, ये जमीन रघु के मामा की है और तुम्हारे पिताजी ने रघु के मामा को मारकर जमीन अपने नाम करवा ली और उसी जमीन पे तुम गलत काम कर रहे हो। देखिए पार्षद जी, सही किया गलत किया हमें ना बताएं आप, समझ गए? एक कागज दिखा रहे, अंगूठा लगा हुआ रघु के मामा जी का। साला हमें पता है अंगूठा कैसे लगवाया है। इस रघु के सामने औकात क्या है तुम्हारी? ये तुम्हारे बाप का शहर है। ए रघु, तू बेटा सबके लिए सही रहेगा, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। बद्री साला चूतिया। देखिए पार्षद जी, ये पशुपतिनाथ की नगरी है, अफीम का देश, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश। यहाँ इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, वरना अपने नेता भी हो तो भाड़ में जाओ, समझ गए? तमीज नहीं है पार्षद की, इज्जत नहीं कर रहा। गलत बात है। नंदू जरा सुन के बताओ, रघु ने कौन सा तेल लगाया? बड़ा खुशबू मार रहा है। साला सांडे का तेल लगाया वे। तो
तुगनिया से उसके बाप की हिरासत की जमीन के पट्टे मांगने आया है, जिसमें चिट भी उसका पुट भी उसका। घमंड देख कर तू जिस चूतिये को सर पटक कर मारने में अफीम के नशे से भी जास्ती मजा आएगा कसम से। रही बात तेरी और मेरी तो महाकाल बताएंगे जमीन किसकी है। चल बद्री। यार टाइम बहुत चेंज हो गया यार, पहले जैसे नहीं रहा। एक तरफ अफीम था, एक तरफ हम थे, अभी चलो जिसको देखो वो बीच में आ रहा है। अरे एक और धंधा करते हैं। जैसे कि? अरे मच्छी का लोग बहुत डरते हैं अपन से। प्यार से किसी से बोलेंगे तो मना थोड़ा ही करेंगे। मुंबई तक मच्छी जाता है अपना। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो वो अपनी चंबल नदी है ना, गांधी सागर वाली। हाँ। किसी को भी बोलूंगा तो ठेका वैसे ही दे देंगे अपने को। अबे चुप, काम की बात के लिए तू अकेला जाएगा क्या? काम की बात है, हम भी जाएंगे। आज से तुम्हारे मालिक हम हैं, समझे? इसका ठेका हम लोगों ने लिया आज से, समझे? देख भाई, अड़ी नदी की एक भी मच्छी अगर गायब भी है तो सभा ने अटैच डुबक डुबक में मार डालू। तो शांति रख। ठीक है नी नंदू, शांति रख। चंबल नदी का ठेकेदार आया है, बोलता है गलिया ने उसका ठेका छीना। बुला उसको। अरे ये 10 नंबर नाके पे, और बोलता है कि चंबल की मच्छी की तरफ देखा भी तो अलग से जुबान निकाल लूंगा। डबल ढोल किया गलिया ने इस धंधे के बारे में, उसके मामा ने की होगी। उधर लड़के सारे तेरे ही हैं, उनसे बोले गाड़ी निकाले। वो गाड़ी नहीं निकालने देगा तो अपन क्या करें, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं? अरे हाँ साहब, उधर सारे छोकरे लोग उसी के ही है। और आज शाम को 6 बजे के आसपास बड़ा माल लेके निकलेगा 10 नंबर नाके से। यार रघु कुछ तो करना पड़ेगा, वरना अपनी इज्जत बिक जाएगी। ए चुप।
तुम्हारे मामा जी को मारने वाला भी उसका बाप घड़िया ही था। आज आग खाकर अंगार मूतने वाला भी वही है। ब्लैक गोल्डफील्ड को बचाना है। ब्लैक गोल्डफील्ड, ये क्या होता? अबे काला सोना यानी अफीम। गनिये का क्या करना है? क्या दोनों काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो? दादा, माना कि शूटर माफिया उसके साथ ही है, लेकिन भगवान पशुपतिनाथ भी हमारे साथ ही है। मेरे होठों की प्यास आजा बर्फीली बातों से आग बुझा दूं, तेरा इत्र साली बस मेरे होठों की प्यास आजा बर्फीली बातों से आग बुझा दूं। झूम 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 ले झूम ले दारू के नशे में घूम ले झूम 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 ले दारू के नशे में घूम ले। रघु, वो गनिया और उसके मामा बीती रात को उस किसान को क्या बोले? सारा डूडा चूरा लेकर उसके घर पे डाल दे, नहीं तो साला उसको जला देगा, नहीं तो मार डाले। कौन किसको मारेगा और कौन किसको जलाएगा ये समय बताएगा। और बोल दे उस गनिया को बस इतना तो बच ले, आ रहा हूं।
उस पर लगाम कसने की काफी कोशिश कर रही है। आने वाले समय में जहां तक कोशिश यह रहेगी कि उस पर लगाम कसी जाए। मुख्य आरोपी गन्या कब तक पुलिस गिरफ्त में होगा? ये जो आरोपी नंदू और ये मिथुन और इनका जो बड़ा भाई बता रहे गन्या, उनकी भी तलाश जारी पुलिस कर रही है और अलग अलग टीम निकल चुकी है और जल्द कार्रवाई पूरी होगी। गनिया, ये सब करा धरा बद्री का ही है, उसका कुछ तो करना होगा। क्या करे, मिल गया, चलो चलते।
क्यों चीखते अब नहीं, खामोशी कह रहे, आ रहा मेरे जहन में क्या, कानों में पूछ रहे। काश जिंदगी ये किताब सी होती, अगर पढ़ सकता तो ये बात ना होती। काश जिंदगी ये किताब सी होती, अगर जाके मैं पूछूं कैसे जाके, इस दर्द में क्यों आवाज नहीं होती, इस दर्द में क्यों आवाज नहीं होती। शहर ये खामोशियों से भरे, न जाने सब किधर गए, शायद खफा हैं लोग अभी, सारे किरदार ये बदल गए। सीना जल रहा हो तो क्या चुप रहे कोई, साबित न हो सका मैं तो क्यों साथ चले कोई। मेरी हर तमन्ना दिल से दूर हो रही है, बिखर रही सारी हसरतें बदल रही हैं, किसी के जान से ना किसी के आन से, ये वक्त ना रुका घड़ी के भी रुक जान से। जाके मैं पूछूं कैसे जाके, इस दर्द में क्यों आवाज नहीं होती, इस दर्द में क्यों आवाज नहीं। Touch.
ए क्या रे, कहाँ गया आज तेरे साथी? तो अकेले आया है। तूने उसे घेर कर मार दिया और गनिया तुझे लगता है तेरा खौफ बढ़ गया, तो ये तेरी गलत फहमी है। गलत फहमी किसकी है मालूम पड़ेगा तेरे को भी। इधर जमीन चाहिए ना तुझे दी। ए मामा कागज ला। मुझे तो कभी जमीन चाहिए ही नहीं थी। तो क्या चाहिए तुझे? कौन है तू? कहा था ना कमंड देखकर तू जिस चूते को सर पटक कर मारने में अफीम के नशे से भी जास्ती मजा आएगा। अब इस मंदसौर शहर में ना किसी का खौफ होगा
और ना मंसूर के ब्लैक गोल्ड फील्ड में किसी गन्या का राज होगा। अब राज होगा तो सिर्फ महादेव पशुपतिनाथ का होगा। रह रह के भी तूने अपने मन की न सुनी किसी की, सिर्फ अपने दिल की। ले हो गया तू खुद से फकीर और मिट गई तेरी पूरी तकदीर। क्यों तूने अपनी मौत को मुझ में नहीं देखा, क्यों तेरी किस्मत पर तुझे इतना भरोसा था, लेकिन हुआ वही जो तेरी हाथों की लकीरों में था।